से ठीक लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज सोनम राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट बेसिक मेकअप, न्यूट्रल मेकअप, व्हाटएवर यू कैन से, जस्ट लाइक दीज लुक्स। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यूट्रल और अ बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, मतलब कि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको मेकअप का एम भी नहीं पता है। आई एम गोना टीच यू व्हाट इज मेकअप, व्हाट इज मेकओवर, हाउ टू डू मेकअप, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, व्हाट इज द की टू द फ्लॉलेस लुकिंग मेकअप फेस और मेक। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। मेकअप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू व्हाट इज मेकअप और मेकओवर अकॉर्डिंग टू यू। यूजुअली आई गेट क्वेश्चंस फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल। मेकअप तो गोरा करने के लिए होता है, मेकअप बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। नहीं गाइज, देयर इज अ मिथ, अ वेरी बिग मिथ, कि अगर आप ठीक है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, वो रियल लाइफ में वैसा नहीं लगता है। रियल लाइफ में आपको साफ पता लगता है कि आपने लेयर लगाई है, बिकॉज मेकअप इज समथिंग दैट सिट्स ऑन योर स्किन। अगर आपके टेक्सचर है तो वो आपके मेकअप की गलती नहीं है, वो आपके मेकअप आर्टिस्ट की गलती नहीं है, दैट इज योर स्किन। मेकअप और मेकओवर इज समथिंग विच इन्हांसेज योर ब्यूटी, विच इन्हांस योर ब्यूटीज, एंड मेकअप की स्किन की इशूज सारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर स्किन केयर। तो मेकअप से पहले और मेकअप से ज़्यादा ज़रूरी आपका स्किन केयर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ बेटर और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन फर्स्ट। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा। इतना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, उतना ही फ्लॉलेस और सुंदर आपका मेकअप बेस लगने वाला है, उतना ही नो मेकअप मेकअप लुक वाला आएगा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माई पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स दैट आई यूज ऑन डेली बेसिस। पहले ही बता दूँ, मेरे मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप एंड स्किन कंडीशन। जो मैं आपको बता देती हूँ फिलहाल अपनी की चीज़ें और कुछ बेसिक स्टेप्स टू प्रेप योर स्किन बिफोर मेकअप फॉर टू अचीव दैट फ्लॉलेस लुकिंग मेकअप बेस। एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू परचेज एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड इन द वीडियो, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाय इट फ्रॉम देयर। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि मेकअप एक्चुअल में होता कैसा है, दिखता कैसा है और उसको करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्किन केयर, और स्किन केयर में सबसे पहले पार्ट आता है आपका CTM। स्किन केयर में कौन से स्टेप्स होते हैं? CTM, जो कि बहुत बेसिक स्टेप्स बता। CTM स्टैंड फॉर क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग का मतलब है अपने फेस को साफ करना, टोनिंग का मतलब है अपने स्किन को टोन करना, अपने पोर्स को थोड़ी देर के लिए श्रिंक हो जाएंगे ताकि उससे भी थोड़ी सी हाइड्रेशन आपको अच्छे से मिल जाती है, अपने पोर्स थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। ऑफकोर्स आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो आपका मेकअप बेस अच्छा लगेगा, वरना अगर स्किन ड्राई है, बहुत खिंची खिंची है तो आपका स्किन और मेकअप बहुत ज़्यादा पैची होने लग जाएगा। तो ऑफकोर्स दीज आर द स्टेप्स डर्मा को। दिस इज द AHA BHA फॉर्मिंग डेली फेस वॉश। द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। योर नाइट, ये डे और नाइट दोनों के लिए है। दिस इज द फॉर्म कंसिस्टेंसी। दिस इज द क्लेंजर दैट आई यूज। इफ यू आर नॉट श्योर कि आपकी अकॉर्डिंग, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फेस वॉश, कौन सा क्लेंजर, कौन सा मेकअप, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू। यू कैन चेक द लिंक इन माई बायो। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगी, यहाँ पे लिंक करके आपको मैंने अपने अमेजोन स्टोर पे हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अपने पर्टिकुलर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए कि कौन कौन से फेस वॉश, मॉइस्चराइजर वगैरह अच्छे रहेंगे, ड्राई स्किन के लिए कौन से अच्छे रहेंगे, तो यू कैन चेक देम आउट। बर्डिंग क्लेंजिंग के बाद हमारा स्टेप होता है टोनिंग। टोनर मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, पता नहीं कहाँ रख के भूल चुकी हूँ शिफ्टिंग के टाइम में। तो द टोनर दैट आई यूज इज द गुड वाइब्स का रोज सिरप टोनर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज टू हाइड्रेट एंड टू श्रिंक योर पोर्स। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है मॉइस्चराइजर का। एंड फॉर मॉइस्चराइजर आई यूज दिस मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर विद ओट एक्सट्रैक्ट प्लस सीपल। अगेन दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन, विच मैं इसको यूज करने वाली हूँ टू हाइड्रेट माई स्किन, क्योंकि बाकी के जो स्टेप्स हैं वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मॉइस्चराइजर मुझे अभी करना था, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही किया जाए। स्टेप डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक एज वेल।
मेकअप ने कुछ नहीं बिगाड़ा ब्रो। पर अगर आप दिन में कर रहे हो मेकअप तो इस स्टेप के बाद आता है आपका सनस्क्रीन। एंड अभी नाइट में शूट कर रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर टू अप्लाई दैट। स्पेशली इन दिस विंटर सीजन सब ज़्यादातर लोगों का ड्राई स्किन का इशू होने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी भी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है वैसे, तो मैं क्या करती हूँ, आई यूज़ दिस फेशियल ऑयल। दिस इज़ रिवाइटालिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड। अगेन दिस इज़ माई फेवरेट वाला सीरम। दिस कैन बी यूज बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लगता भी नहीं आपने सीरम यूज़ कर रखा है। आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑन माई चीक्स ओनली, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं ज़्यादा अपने टी जोन पर नहीं लगाऊंगी। आफ्टर दिस अब मेकअप आपका स्टार्ट होगा, और मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर। एंड फॉर प्राइमर यू कैन ऑल्सो यूज़ अ प्राइमर एज पर योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन यूज़ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन यूज़ फेशियल ऑयल और एनी ऑयल बेस्ड सीरम। आई हैव ड्राई स्किन तो मैं दोनों में से वैसे ज़्यादातर वैसे ही यूज़ करती हूँ। दिस इज़ दी गोल्ड स्क्रू प्राइमर फ्रॉम मार्स। दिस इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। जो अरे कहना क्या चाहते हो, फेस सीरम की कंसिस्टेंसी में होते हैं। मैं ये यूज ना कर रहा हूँ तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। दिस इज द हाइलाइटिंग प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये भी बहुत गंदी यूज है, इसकी बॉटल मैंने तोड़ दी है, बॉटल टूट चुकी है। बट जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स होंगे, ज्यादा मेरे पोर्स होंगे, मैं वहां लगाऊंगी। अगर इन केस आप लोगों में से किसी को पोर्स के बारे में नहीं पता, पोर्स क्या होता है, पोर्स मतलब आपके स्किन के छोटे 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 खड्डे टाइप होते हैं ना, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, जिनमें आपके ब्लैक हेड्स फंस जाते हैं, वो होते हैं आपके पोर्स। उनको क्लीन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उसको अगर आप क्लीन नहीं करोगे दैट विल गोइंग टू कॉज यू सीवियर एक्ने। इंपॉर्टेंट टू एक्सफोलिएट योर स्किन वेल। तो मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यू कैन यूज़ सिलिकॉन बेस्ड। तो मेरे पास ये भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग सा प्राइमर है। एक तो ब्लर आउट कर देता है, दूसरा ये हाइड्रेट भी कर देता है, और बहुत प्यारा सा ग्लो भी दे देता है। लेट इट सिट फॉर गुड 2 मिनट्स, उसके बाद हम बढ़ चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरह। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है प्राइमर के बाद और फाउंडेशन कंसीलर से पहले, दैट इज़ कलर करेक्शन। कलर करेक्शन, दिस इज़ द कलर व्हील। कलर करेक्शन इजी भाषा में समझाया जाए तो दिस इज़ समथिंग टू करेक्ट योर स्किन कंडीशन, ठीक है। लाइक अगर आपके पिगमेंटेशन है तो कई बार आपको ऐसा होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट में फाउंडेशन या कंसीलर आप अप्लाई करते हैं और वो थोड़ी देर के बाद ग्रे होने लग जाता है, कभी यहाँ से जहाँ पे भी आपकी डार्कनेस होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपने उसको कलर करेक्ट नहीं किया होता है। जो आप डार्क सर्कल्स होते हैं, जो रेडनेस होती है अलग स्किन अंडरटोन में होती है। अगर आपको ये सारी भाषाएं समझ नहीं आ रही हैं तो ईजी भाषा में बोलूँ तो आपके जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, वो सारी इवन नहीं होती। मोस्टली लोगों की इवन नहीं होती, कईयों की हो भी सकती हैं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको हम इवन करते हैं। पहले उसको कलर करेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर फाउंडेशन और कंसीलर लगाएंगे, सो दैट आर बेस विल लुक इवन एंड विल लुक मोर नेचुरल एंड फ्लॉलेस। तो आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा कलर करेक्ट किसके लिए यूज़ करते हैं तो लेट मी शो यू 2 मेन कलर करेक्टर्स, जो कि होते हैं एक ऑरेंज मेरे पास यहाँ पे है, दिस इज़ फ्रॉम स्टेक वर्क की। इसमें 3 शेड थे, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। मैं वैसे इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स तो मेरे भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं करती हूँ, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके पीच अंडरटोन में ले आती हूँ और उससे अपने कलर करेक्ट करती हूँ। आई कलर करेक्ट माई अंडर एरियाज, अंडर आई एरियाज एंड अराउंड दी माउथ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इससे लिया, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो मिक्स करके अपने अंडर आई पर लगाना है। देखो कितनी इजीली ब्लेंड हो गया। लुक अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं होगा ना तो ये प्रोडक्ट आपका ना पैची पैचेस होने लगेगा, बहुत ड्राई कर देगा आपकी स्किन को। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि स्किन केयर ज़रूरी क्यों है। को ये सिर्फ वहाँ पे ही आपको कलर करेक्टर वहाँ ही लगाने हैं जहाँ पे आपके पिगमेंटेड एरियाज हैं। लाइक जो ऑरेंज और पीच करेक्टर्स होते हैं वो आपको सिर्फ अपने डार्क एरियाज पे लगाने। तो ये जो ग्रीन कलर के एक्टर्स होते हैं, ये होते हैं आपकी रेडनेस को हाइड करने के लिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे भी एक्ने होने वाला है तो इसको मैं इसकी जो रेडनेस है उसी को हाइड करने के लिए ब्रश के साइड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी गंदा हो चुका है। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का एक्टर लिया और यहाँ पे
लगा दिया, लुक। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैं अपनी ही रिंग फिंगर से ब्लेंड करूंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से डाब डाब करना है, रगड़ना नहीं है। अपनी फिंगर से मैं इसको रेडनेस ग्रीन वाले को ब्लेंड करूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि एवरीथिंग इज ब्लेंडेड। ठीक है, मेरी स्किन थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो चुकी है। जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंसीलिंग। ठीक है, आप कलर करेक्ट कर रहे हैं तो वी रिकमेंड टू यूज मीडियम टू हाई कवरेज वाले कंसीलर्स, बिकॉज अगर आप बिल्कुल शेयर कवरेज वाले करोगे तो आपकी जो कलर करेक्शन है ये आपको सी थ्रू होगी, मतलब उसमें से दिखेगी। फुल कवरेज बिल्कुल फ्लॉलेस लुकिंग बेस, तो उसके लिए वी रिकमेंड टू यूज मीडियम टू फुल कवरेज। जो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है वो है दिस इज द लॉरियल पेरिस इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर, और एक और है, एक और सबसे अच्छा है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर, दिस इज इन द शेड 25 मीडियम। ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन टुडे। को भी हमने 2 मिनट के लिए रखा था एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दिस। ठीक है, जब इसको अच्छे से ब्लेंड कर दोगे सेट हो जाएगा आपकी स्किन पे, उसके बाद ही यूज करना अपना कंसीलर या फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपने सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे लगाना, यहाँ पे पहले आपको उन जगहों पे लगाना है जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन है और जहाँ पे भी आपने कलर करेक्ट करा है, जैसे कि यहाँ। ठीक है, नाउ अगर इसको लगा लेते हो, सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। जब आप ब्लेंड करते हो तो हमेशा कई बार लोगों का पैची हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाता है, तो सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ इसको ड्राई आउट ना होने के लिए, तो कोई भी सेटिंग स्प्रे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दिस इज द सेटिंग स्प्रे फ्रॉम NY Bae Dewy Finish सेटिंग स्प्रे, जो मुझे बहुत पसंद है। आपका मेकअप ड्राई आउट नहीं होगा और दूसरा बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाएगा। स्प्रे दिस को ब्लेंड करने के लिए हम लेंगे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज डैम्प नॉट वेट। इसमें अगर मैं इसको निचोड़ूंगी इसमें से कोई भी बूंदी नहीं निकलती। ठीक है, हमें ऐसे ही ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। अगर आप सूखा यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो ड्राई आउट हो जाएगा। तो यस, इसको भी हमने डाब डाब करके करना है, ना कि ड्रैग नहीं करना। प्लीज मेक श्योर आपको डैब डैब करना है, नहीं तो आपका जो कलर करेक्ट है वो दिखेगा। सी कितना इजीली ब्लेंड, इसी चीज की मैं आपको बात कर रही थी। You can see how beautifully it blends. थोड़ी सी नेक पे कर लेते हैं। आपको कहीं से भी मेरा ऑरेंज करेक्टर दिख रहा है यहाँ से? नहीं ना, यहाँ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपका स्किन सी थ्रू हो रहा है तो यू कैन ट्राई टू बिल्ड इट अप सकते हो, एंड देन यू कैन ब्लेंड इट एवरीथिंग इन। नाउ इसके बाद आप चाहो तो यू कैन यूज फाउंडेशन, बट मैं डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज यू कैन सी ये ऑलरेडी बहुत इवन आउट लग रहा है, क्योंकि ये विंटर सीजन है तो मैं सारे प्रोडक्ट अपने क्रीम वाले ही यूज करती हूँ। अगेन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन यूज एज पर योर स्किन टाइप, आप पाउडर प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करिएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा ब्लश एंड ग्लो चीक एंड आई जेल ब्लूम फ्रॉम ब्लू हेवन, दिस इज देयर न्यू लॉन्च और आई एब्सोल्युटली लव 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 देम। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल हल्का सा लगता है। आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद दी ये सुरोस्की का पफ है, आई गेस ये सुरोस्की का पफ है, बहुत अच्छा है ब्लेंड कर देता है ये भी हर चीज को। अगर आपने सेट कर लिया और उसके बाद आप दोबारा क्रीम प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा पैची होने लग जाएगा, इसलिए सेम कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट लगाना प्रेफरेबल होता है। उसके बाद हम सबको एक साथ सेट करेंगे ताकि हमारा मेकअप पैची ना हो। नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है मैं, जो भी इसमें लेफ्ट ओवर है अपनी चिन पे, अपने नोज पे लगाऊंगी। जैसे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया था, मैं उसी से दोबारा से इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि बहुत ज्यादा नेचुरल सा इफेक्ट आए। सी कितना ज्यादा नेचुरल सा लगने लग गया। नाउ आई एम गोइंग टू सेट एवरीथिंग विद दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरे वैसे लाइंस पड़ी नहीं अभी, अगर आपकी लाइंस पड़ चुकी हैं, क्रीज हो गया है, तो आप पहले उसको ब्लेंडर से ऐसे ब्लेंड कर लेना और फिर उसको सेट करना। अगर आपकी लाइंस के ऊपर सेट करोगे
तो वो क्रीज वैसी की रह जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती। वैसे विंटर सीजन है तो आई वुड रेकमेंड टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट एवरीथिंग एंड प्लीज। नाउ यू कैन सी, देखो बहुत ज़्यादा ग्लोई, बहुत ज़्यादा ड्यूई और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस सा लग रहा है। एवरीथिंग इज सेट, अब हम बढ़ेंगे अपने आईब्रोज की तरफ। मैं पेंसिल यूज करती हूँ या फिर कई बार मैं आई शेडो ले लेती हूँ अपने, कोई भी ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके मैं कई बार कर लेती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट। इसको पहले बहुत गंदा हो चुका है तो नॉट माइंड। बहुत हल्के हाथ से अपनी ब्राउज को फिल करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हमने फाउंडेशन ले लिया अच्छे अच्छे ब्रांड्स का एंड दे आर स्टिल गेटिंग पैची। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपनी स्किन प्रेप अच्छे से नहीं करी होती, या फिर आप अपने कलर करेक्ट नहीं करते हो अपनी स्किन के एरियाज को। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल कर लिया अपने आईब्रोज को। आपको ओवर थोड़े से ओवर लग रहे होंगे क्योंकि मेरा अभी बेस करने के बाद फेस बिल्कुल फ्लैट लगता है एंड उसी के लिए हम ब्रॉन्जिंग, कंटूरिंग, हाईलाइटिंग सब कुछ करेंगे। तो यस, थोड़ी देर बाद ये सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद आपका स्टेप आता है हाईलाइटिंग का। यू कैन स्टिल यूज लिक्विड हाईलाइटर एज पर योर, अगर आप क्रीम या लिक्विड हाईलाइटर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर टू सेट एवरीथिंग आफ्टर अप्लाइंग योर हाईलाइटर एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो क्रीम कंसिस्टेंसी में होगा। अब जैसे कि मैंने सेट कर लिया अब सब कुछ, अब मैं क्रीम लगाऊंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा। इसलिए आई एम गोइंग टू यूज द पाउडर हाईलाइटर। हाईलाइटिंग आपकी कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपके जो फेस के फीचर्स हैं वो उभरे हुए होते हैं, जैसे कि हमारा ये चीक बोन ये उभरा हुआ होता है, ये आईब्राउज, और हम कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम उभारना चाहते हैं ताकि हमारी आईज़ और हमारे कुछ फेस के फीचर्स और अच्छे लगें। जैसे कि हमारी आईज़, हम आईब्रोज में आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा एडक के पास लगा देते हैं। क्योंकि आपकी आईज़ थोड़ी सी पॉपअप लगे, थोड़ी सी बड़ी लगे, वो इसीलिए लगाते हैं। आपके फोरहेड पे लगेगा, आपके चीक बोन्स पे लगेगा, जो आपके नोज पे लगेगा, आपके क्यूपिड बोस और आपकी चिन पे लगेगा। बहुत ज़्यादा जान सी आ जाती है आपके फेस पे, बहुत ज़्यादा ग्लोई, ड्यूई, बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ड्यूई और ग्लोई काइंड ऑफ हमारे फेस और मेकअप, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। हाईलाइटिंग इज डन, नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम आई शेडोज। फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आई शेडो में किसी और दिन दिखा दूंगी। नाउ एक ही सिर्फ एक आपको बता देती हूँ, सिर्फ एक डेप्थ लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बिल्कुल लाइट ब्राउन सा शेड ले लेती हूँ। ऐसा करते हैं, ये जो ब्रश का वाला था इसमें से ले लेती हूँ, इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ टैप ऑफ एक्सेस, और उसी से क्रीज डिफाइन कर दूँगी थोड़ी सी, ताकि हमारी आईज एक तो लिफ्टेड लगे और ऐसा ना लगे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है। हाईलाइट के बाद मैं लगाती हूँ अपना मस्कारा और आईलाइनर। आई एम गोइंग टू यूज दिस मार्स का वॉल्यूमाइजिंग वाला मस्कारा, मेरे को नाम नहीं याद, बट या अपनी लैशेस को आप कलर के हेल्प से पहले कर्ल भी कर सकते हो। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल माई आईज आर लुकिंग राइट नाउ। वैसे मैं आई लाइनर डेली बेसिस पे लगाती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है आज का मेकअप। लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई माई लिपस्टिक डेली बेसिस पे। आई यूज द न्यू लिपस्टिक्स। अगर आप उनमें से हैं जिनको पता नहीं लगता है कि कौन से प्रोडक्ट कौन सी शेड की होगी, जैसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है यूजुअली कि इस पे ऑनलाइन आपको कुछ कलर दिखता है, जब आप मंगवाते तो वो कोई और कलर ही होता है। यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज काइंड ऑफ लिप पैलेट जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड यू कैन मिक्स एंड मैच एंड क्रिएट योर ओन कस्टमाइज लिप कलर। मुझे तो न्यू कलर्स बहुत पसंद है। मैं यूजुअली पहले लिप लाइन कर लेती हूँ डार्क शेड से, डार्क ब्राउन शेड न्यूडिश। तो या आई एम गोइंग टू ओवरलाइन फर्स्ट। लेट मी नो अगर आप भी उनमें से हैं जो एक कलर से सेटिस्फाई नहीं होते तो दो तीन कलर से लिप क्रिएट कर देते हैं। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस लाइट न्यूडिश काइंड ऑफ अ कलर एंड मिक्स विद दिस पीच लाइट पिंक कलर टू जस्ट फिल इन द इनर पार्ट। मुझे बीच में लाइट पार्ट करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि लाइट पिंक कलर हो गया,
create that ombre kind of effect. So it's bahut pasand aa raha hai. Let me know how, what do you guys think. Thing is set. Now, अपने मेकअप को लॉक करने के लिए ट्राई टू यूज अ मेकअप फिक्सर कि वो ग्रे ना पड़े, वो पैचिंग ना हो, सब कुछ अच्छे से हो. एंड द बेस्ट टिप इज ऑलवेज यूज सेटिंग पाउडर बिटवीन योर मेकअप एंड लास्ट में इज फिक्सिंग स्प्रे करना. वो भी डायरेक्ट मत करना, नहीं तो पैच पड़ जाते कई बार. ऑलवेज यूज योर ब्यूटी ब्लेंडर, उसमें अपने मेकअप फिक्सर को स्प्रे करना. वैसे दिस मेकअप फिक्सर इज फ्रॉम मार्स. तो ये हो गया. इसके बाद हल्का हल्का डाब डाब कर देना, आपका मेकअप जहां पे है वहीं पे फिक्स हो जाएगा. सी, ऐसा लग ही नहीं रहा, जिस हिसाब से ड्यूनेस आ रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने मेकअप किया. बट हाँ, लग तो रहा है, बट स्टिल इतना ज्यादा नेचुरल. और सी, everything is intact and looking beautiful. Everything is done. Makeup is looking absolutely stunning. This is the close-up. I am totally loving this look. Let me know how do you like this makeup look and आपका मेकअप का डेफिनेशन क्या है, मुझे इस कमेंट में जरूर बताना. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन. थैंक यू, बाय.